वेलकम टू प्रोग्राम लज्जत। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। जब वीक स्टार्ट होता है तो बहुत एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। कुछ एक्साइटमेंट आप लोगों से मिलने की होती है, कुछ नए नए खाने सीखने की होती है, और इसके साथ साथ सारा टाइम शो पर जो हम बातें कर रहे होते हैं, आप लोगों से बातें कर रहे होते हैं, और कुछ ना कुछ जो सीखते जाते हैं। ज़िंदगी का अमल है इसी तरह से सीखते रहने का। अच्छा अच्छा करते जाएँ, अच्छा अच्छा बस सीखते जाएँ, यही तमाम चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी को अच्छा बनाती हैं। कहते हैं जी एक आपके साथ में एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग भी बात है और थोड़ी सी खौफनाक सी भी बात है। मैं पढ़ रही थी तो मैंने कहा अरे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जापानीज़ की रिसर्च है और जापानीज़ ये कहते भी हैं कि हर इंसान के 3 चेहरे होते हैं। कैसा जी? एक चेहरा होता है जो वो पूरी दुनिया को दिखा रहा होता है कि जी मैं ऐसा हूँ। एक चेहरा वो होता है उसका जो बहुत ही अपने करीबी लोगों को दिखाता है, और करीबी यानी दोस्त हैं, करीबी अपनी फैमिली है, उनको दिखा रहा होता है। तीसरा उसका वो चेहरा होता है जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाया होगा, अंदर ही कहीं ना कहीं छुपाया हुआ होता है, जो उसे मालूम होती है वो चीज़ कि यार मैं एक जगह कहीं कुछ ऐसा भी हूँ। तो मैंने कहा अगर ये रिसर्च है और वाकई सही है तो कहते हैं कि जो तीसरा चेहरा है ना, जो इंसान ने किसी को कभी नहीं दिखाया होता है, जो अपना खुद ही मालूम होता है, कहते हैं वो ट्रू रिफ्लेक्शन है आपकी अपनी, एक्चुअली वो आप वो होते हैं। तो मैं ये सोचने लगी, फिर मैं अपने अंदर सोचने लगी कि मैंने क्या क्या ऐसा चीज़ें की हैं जो दुनिया को अलग दिखा रहे हैं, दोस्तों के सामने अलग हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं अंदर अपने अंदर मैं सोचती हूँ कि यार ये भी एक मेरा चेहरा है। तो बहुत सारी चीज़ों से हटकर तो मैं सोचती हूँ कि चलें इन 3 चेहरों को मिलाते हैं, और इन 3 चेहरों में से हम कोशिश करते हैं जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं एटलीस्ट वो हम करें। वो चेहरा जो कि हम लोगों को दिखाते हैं, ऑब्वियसली हम वो प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छा पहनते हैं, करते हैं, काम अच्छा है हमारा, सब कुछ है, तो कोशिश करते हैं इसी में पॉजिटिव ढूंढ के कि जी कुछ नहीं, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही रहेंगे। और वो कभी कभी हमें गुस्सा आ जाता है, कभी कभी हम बुरा कह जाते हैं जो कि हम फ्रेंड्स के सामने करते हैं, घर वालों के सामने करते हैं। तो एटलीस्ट इन 3 चेहरों में से बुरी चीज़ों को निकाल के अच्छी चीज़ ले आते हैं और अपने अंदर एक अच्छी चीज़ रखते हैं। शायद हम एक चेहरा इस तरह से बना सकते हैं, और अगर 3 चेहरे तो तीनों में से भी कोशिश करेंगे हम अच्छा अच्छा चुनें। है ना कुछ अजीब सी, इंटरेस्टिंग सी और थोड़ी सी खौफनाक सी बात भी, मुझे भी सुन के ऐसा हुआ था। सोचे सोचे ज़रा आप भी सोचें, और फिर अपने आप को बेहतर करने की इंसान कोशिश इस तरह से कर सकता है। मैं इधर चलती हूँ, चूल्हा बंद करते हैं। आई थिंक आपने दूध बॉयल करने के लिए रखा है। लेट्स सी क्या बना रही हैं जी। जहाँ दूध तो बॉयल हो रहा है, आगे क्या होना है चलते हैं, पूछते हैं। बड़ी प्यारी लग रही है आज, कुछ अलग ही ग्लो है। क्यों है जी ये? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? ठीक हैं, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। खैर थैंक यू सो मच कि आपने दूध को बॉईल होने से बचा लिया। वो अच्छा पता है कि हमारे चूल्हे थोड़े से तेज हैं, और अगर जरा से भी ज्यादा दे रखे हैं तो वो बॉईल होना चाहिए। वैसे एक बात बोलूं, पता नहीं मिथ है कि सच्चाई है कि नहीं है, कहते हैं जब दूध उबल जाए कहते कुछ अच्छा होने वाला है। मतलब अब ये नहीं कि घर में जान करके चूल्हा ऑन करके गायब हो जाए, तो ये एकदम से हुआ है ना, तो इंशाल्लाह कुछ गुड लक हो जाए। नया सेट तो मिल गया है। बिल्कुल बिल्कुल, और ठीक ठाक आप बताएं? ठीक है। क्या कहती है 3 चेहरे अलग अलग? वैसे ये बात जो आपने इसके सही है। हाँ। जो मतलब कोई जापनी रिसर्च जो भी है, वाकई ऐसा होता है कि एक अंदर इंसान का एक छुपा हुआ होता है जो वाकई डिफरेंट है, वो किसी को नहीं बताता ना, एक कहीं ना कहीं दिल कहीं में है। सोच आती है। हाँ, भाई बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। हम लोगों ने कभी सोची नहीं होती ये बातें, लेकिन वो जरा ज्यादा अक्लमंद कौम है तो ज्यादा चीजें सोचती है। हम लोग जैसे होती रहती है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ ना वायरल है। ये ट्रू ना, आप अपने आप को, मैंने विद इन अ मिनट जो है ना ये बात सोची और अपने अंदर ना, तो मैंने कहा वाकई ये बात है सही है ये बात ना। तो बहरहाल हम तमाम लोगों को भी सोचना भी चाहिए, देखना भी चाहिए, और अपना इनर देखना चाहिए, और उसको हमेशा बहुत अच्छा रखना चाहिए। हाँ। ना, है ना? तो आज बताएं क्या बन रहा है? प्लीज बताएं, मुझे लगा कुछ मीठा मीठा तो नहीं बना रही, कुछ दूध बॉईल हुआ तो मुझे लगा मैंने कहा है मीठा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे और खैरियत से भी होंगे। जी जनाब, आज प्रोग्राम में क्या बन रहा है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन जो कल हमने अपने सी फूड वीक के हवाले से बातें की थी, हमने एक छोटा सा शाउट आउट जो है वो डाला था, तो डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा लगा। अच्छा, इंस्टाग्राम पे मैंने और आपा ने अपने अपने इंस्टाग्राम डाला था, मेरा बीर जावेद के नाम से, आपा का समीना जलील के नाम से इंस्टाग्राम। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स सब लोगों ने दिया, लेकिन इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में, अब आगे तो आपको पता है रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान के बाद हम कुछ और अच्छा प्लान करेंगे कि हम क्या और कर सकते हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छा।
देखिए चीज़ें खाने पीने की तकरीबन वही होती हैं, लेकिन क्या होता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, तो वो ज़रा अच्छा लगता है ना, और थोड़ा सा ऐसा लगता है हम सेट पे हमेशा आते हैं और बनाते हैं चीज़ें, आप लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हट के एक चीज़ हुई, हमने मेहनत भी बहुत की, टीम ने मेहनत की, तो अच्छा लगा ना सबको ना। थैंक यू सो मच अगेन। आज क्या बनने जा रहा है जनाब? आज बनेंगी ज़बरदस्ती तीन चीज़ें, हांडी हम बहुत तरह की आपको बनाना सिखा, आज हम बनाना सिखाएंगे आपको मखमली चिकन हांडी। कैसे बनेगी मखमली? मखमली, मखमली बहुत स्मूथ सा इसका टेक्सचर होगा, मखमल से अंदाजा हो रहा है मुझे। तो बहुत ज़बरदस्त होगी ये, आप देखिएगा। इसके अलावा हम जो दूसरी डिश बनाने जाएंगे, शुगर फ्री खीर। अब शुगर फ्री खीर कैसे बनेगी ये ज़रूर आपने देखना है, मिस नहीं करना है, बहुत अच्छी बहुत ज़बरदस्त ही बनेगी, नेचुरल मिठास के साथ कैसे बनाएंगे हम ये आप देखिएगा। इसके अलावा हम बनाएंगे तंदूरी फ्राइड राइस। फ्राइड राइस हमने कितने बनाने आप लोगों को सिखाएं, बनाते भी हैं, लेकिन तंदूरी मसाला फ्राइड राइस कैसे बनेंगे ये आप देखिएगा, बहुत ही अच्छे बहुत ही अमेजिंग है, इंशाल्लाह ताला आपको लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली डिश, मखमली चिकन हांडी। इसके लिए हांडी हमारे पास नहीं है, हम इसको अपने पैन में बनाएंगे, लेकिन आप इसको हांडी में भी बना सकते हैं। मुझे तो वो तंदूरी फ्राइड राइस भी कुछ डिफरेंट है ना, फ्राइड राइस सुन के ही लगता है ना चाइनीज है, लेकिन हाँ, साथ में तंदूरी भी लगा हुआ है, तंदूरी भी लगा हाँ। अब ये पता क्या है, ये कंप्लीट मील है, आपको खाने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके साथ आपको कोई भी चीज़ खाने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह ताला ये वैसे ही बेहतरीन लगेगा। अच्छा जी, शुक्र है बच के आइए ना हाँ। चले हैं ज्यादा हो गया, मैं सुन गया, चले ठीक है, इसको क्लियर करते हैं आप जब तक इंग्रेडिएंट्स बताएं। यहाँ पर मेरे पास हाफ के जी, मेरे पास 400 ग्राम मेरे पास ये चिकन है, बोनलेस चिकन है, ठीक है जी। इसको हम ऐसा करते हैं कि दही 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून, बल्कि 2 टेबलस्पून दही के साथ हम इसको मैरिनेट करते हैं, ठीक है ना। मैरिनेशन से क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आ जाता है, टेस्ट अच्छा हो जाता है, और सॉफ्टनेस, एक बहुत अच्छी सी जूसी चिकन मिल जाती है। अच्छा, इसको आपने पता है कितनी देर तक करना है, इसको आप कम से कम 3-4 घंटे के लिए रख दीजिएगा, ठीक है। बाय द टाइम आप अपनी दूसरी चीज़ों की तैयारी कीजिएगा, शुगर फ्री खीर बनाइएगा, राइस बनाइएगा, इतने देर में ये आराम से हो जाएगी। बाकी का दही जो है वो हम मसाले में इस्तेमाल करेंगे। इसका एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छा सा हम मसाला बनाएंगे। इसके लिए हम एक काम करते हैं, पैन ले लेते हैं, ठीक है जी। इस पैन में हम सारी चीज़ें डालेंगे। इंग्रेडिएंट क्या है ये हम आपको बताते हैं। प्याज, ये मसाला बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही, अभी मुझे बेटा चमचा स्पून चाहिए, प्याज 1 मीडियम साइज़ की प्याज ये चली गई। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, ये क्या। अब आप सोच रहे होंगे क्या बनने जा रहा है, लेकिन ये हांडी की बेसिक चीज़ें हैं। अदरक, थोड़ी सी अदरक, बस तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हमने इसमें अदरक शामिल की। इसके बाद हम छोटी इलायची, 3 से 4 आपने डालनी है छोटी इलायची, ठीक है, मैं इस पर डाल रख रही हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। इसके अलावा हम डालेंगे काजू, ठीक है, काजू आपके पास नहीं है, बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं। काजू से क्या होती है, इस हांडी में एक बहुत ही अच्छी सी थिकनेस आएगी, आपके मसाले को बहुत अच्छी सी थिकनेस देगा। 6-7-8 आप ले लेने काजू, ये काजू चले गए, ठीक है जी। इसके बाद हम डालेंगे 4 मगज़, जो हम अमूमन हलवे में डालते हैं, और इस तरह की चीज़ें सारे हलवों में ही डाली जाती हैं, लेकिन आप खाने के लिहाज से देखिए बहुत ही बेहतरीन है, कुछ अफ़गानी रेसिपीज़ में भी इसका इस्तेमाल बहुत किया है, इंशाल्लाह अफ़गानी चिकन हम बनाना सिखाएंगे तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। ये गए 4 मगज़, 4 मगज़ यानी कि खरबूज़ा है, तरबूज है, और ककड़ी के बीज होते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये और एक और भी होता है, ठीक है, ये हम डालेंगे इसके अंदर। अब क्या करेंगे हम इसके अंदर, हम डालेंगे चिकन स्टॉक। अब चिकन स्टॉक मैंने बनाया नहीं है, लेकिन मैं इसमें पाउडर फॉर्म में डाल रही हूँ, तकरीबन 1 टेबलस्पून डालूँगी, तो उससे ज़रा सा अच्छा सा, ये देखिए जी, ये देखिए 1 टेबलस्पून मैंने ये डाल दी, 2 टीस्पून डाला तो 1 टेबलस्पून हो गया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी, ठीक है जी, पानी डाल के हम इसको कुछ देर के लिए कुक करेंगे, तो इसको पानी डाल के, हाँ जी, थोड़ा सा पानी डाल दिया। चिकन स्टॉक आपके पास है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये हो गया, इसको हम पकने के लिए रख देते हैं, जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो इस मसाले को हम पीसेंगे। कैसे पीसेंगे ये ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, बहुत ही शानदार रेसिपी है, तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, हमारा शो लज्जत, और उसके बाद हम डिटेल में बताएंगे, टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक, और यहाँ बहुत ही खास मजे की चिकन बन रही है, मखमली चिकन। मखमली कपड़ा सुना था, मखमली बातें लोगों की होती हैं, हाँ, गाने में हाँ, कई दफा यूज किया गया मखमली। जिस जगह पे खड़े में हैं तो हम तो हमें वही
वो हमने वही चीजें क्रिएट करनी है, जाहिर सी यही पे मखमल ताफ्तान और ये सब चीजें हमें करनी है ना। हाँ तो बहरहाल खैर ये देखिए जी, अच्छा जी देखिए ये मसाला जो है वो हमारा पक चुका है, ठीक है। कितनी देर पकाएं? 10 मिनट, मुश्किल से 10 मिनट बस आप इसको पकाइएगा, ठीक है जी। मसाला अच्छा सा हो गया लेकिन अभी बहुत गर्म है, लेकिन मैं चूँकि जल्दी में हूँ तो मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं इसको पीस लूँ, ठीक है ना। इसका बहुत ही अच्छा एक टेक्सचर बनता है, आप देखिएगा आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, और आप अपनी दावतों में बनाइएगा तो देखिएगा आप सबका दिल जीत लेंगे। अच्छा एक काम करते हैं भाई, ये मुझसे अंदर सा खुलता नहीं है, आप थोड़ा सा उसकी कोशिश कीजिए। चलें जी ये खुल गया। अच्छा इसके बाद हम बनाएंगे बड़ी ज़बरदस्ती खीर की रेसिपी। खीर के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए होगा दूध। 1 लीटर दूध जो है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, इसको हमने गर्म करने के लिए रखा था जो थोड़ा सा उबल गया है, लेकिन बारह अभी भी 1 लीटर है ये, ठीक है। हमने इसको बॉईल करना है, बॉईल करने के बाद हमें इसमें शामिल करना है ये चावल का आटा, ठीक है ना। चावल का आटा मेरे पास मौजूद है यहाँ पे, इसको मैं पानी में डिसॉल्व कर लेती हूँ। पानी में मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। तो अभी ज़रा इसमें से आप चूल्हा ऑन कर दीजिएगा। चलो जी अब फिर इसको हम मुसलसल चलाते रहेंगे, ठीक है जी। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मैं चाह रही थी कि ये हम बनाना शुरू कर देते हैं ताकि वो जब तक थोड़ा सा ठंडा बेहतर हो जाए। ठंडा तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा हो जाएगा। चले जी ये था चावल का आटा था मेरे पास, 2 टेबलस्पून आपने भर के लेना, नहीं तो 3 टेबलस्पून भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको खीर अच्छी बनानी है तो फिर 2 टेबलस्पून से ही बनाइएगा, आप चाहते हैं कि बेहतरीन सी खीर बने। अच्छा इसमें अब हम क्या चीज़ शामिल करेंगे, मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ। ये मैं काम करूँगी, मैं ब्रेक आएगा ना तो मैं उसे पीस के रख लूँगी। अच्छा हमारे पास खजूरें हैं, 1 कप के करीब हमारे पास ये खजूरें, देखिए ये खजूरें मौजूद हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ, ये रही खजूरें। अब खजूरें हमने 1 कप ये तकरीबन 15 के करीब आपने खजूरें ली, गुठली निकाली, अच्छा वॉश किया, इसको मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट हो जाएंगी इसको हम पीसेंगे, ठीक है ना। पीस के हम इसको चीनी की जगह हम इसको शामिल करेंगे, तो आप देखें कि इसकी मिठास से आपकी खीर कितने मज़े की होगी, नहीं ये करेंगे। इसके अलावा हमारे पास ये बादाम हैं, पिस्ते हैं और अखरोट है, इसको भी हम ग्राइंडर में बारीक पीस लेंगे, ये भी इसके अंदर शामिल करेंगे। कुछ हमारे पास किशमिश है, अच्छा ये तकरीबन आधे कप से थोड़ा ज़्यादा है, और ये है तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के आपने किशमिश ले लिया, अगर आपको नहीं पसंद तो ना डालिएगा, कोई इशू नहीं ना। ये हम इसके अंदर डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ज़ाफ़रान जो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। अभी पहले मैं काम ये करती हूँ कि अभी इसमें स्पून चाहिए होगा मुझे ना। अच्छा नहीं ये वाला, अच्छा ओके। मैं तो ज़ाफ़रान देखने आई थी यहाँ पर। अच्छा कितनी सी उसमें रखा हुआ है ना जिससे, और ये आप सोचेंगे ये कितना महंगा है, महंगा तरी। और इसको मैं इसके अंदर शामिल करती हूँ। चले जी ये चला गया इसके अंदर। अब इसको आपके पास भी अबील की तरह से कोई अच्छी प्यारी सी बच्ची हो ना, उसे कहिएगा चलाती रहे ना। अच्छा ओके, मुझे तो चने की दाल का हलवा याद आ गया एकदम। चले ये तो उससे बहुत हल्का काम है। हाँ, चले ठीक है, चले ना ठीक है ना। कॉलर ले ले। हाँ बिल्कुल कॉलर, इसको हम उससे सिर्फ चमचा से इसलिए चला रहे ताकि जो चावल का आटा है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए, उबाल आने पर इसमें बहुत अच्छा सा गाढ़ापन आ जाएगा, ठीक है ना। और चलाते इसलिए रहते हैं ताकि इसमें लम्स ना आए। ब्रेक टाइम में हम ये खजूरें भी पीस लेंगे, और साथ ही जो हमने अखरोट बादाम पिस्ते रखे हैं ये सब टू यू के आप कितना रखना चाहते हैं वो आप इसको पीस लीजिएगा, ठीक है ना। पीस के वो भी हम इसके साथ ही शामिल कर देंगे, तो आप देखते रहिएगा। यहाँ पर ये होगी है तो मैं इसको डालती हूँ, अभी आप कॉलर से बात कर लीजिए। ठीक है मिसेस महनाज हमारे साथ, हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल ठीक है, खैरियत से आप कैसी है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। समीना को बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। बिल्कुल जनाब, सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी, आपने जो सी फूड पे किए माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और दिल किया आपका भी पिकनिक करने का, जरा पहले वो नोट कर ले मेरी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल कराइए। बहुत पहले मैंने एक दफा कराची में थी तो मैंने डबल का मीठा खाया था कहीं पे। जी 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 जी, तो काइंडली उसकी कोई मुझे आसान सी रेसिपी बताइए। अच्छा डबल के मीठे की, दूसरे वो मंगूछियां होती है शायद मूंग की दाल की। ओह वाओ गुड, आप कितनी ग्रेट है, मैंने पता है मंगूछियां दी हुई हैं। अच्छा हाँ, कब बन रहा है? हाँ ये मेरे ख्याल है 2 वीक के बाद बनेगा। कोई रेसिपी आसान सी बता दें। आसान रेसिपी बिल्कुल, आप फिक्र ही ना करें कि आपको देखिएगा इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी वो रेसिपी। और दूसरा कोई हेल्दी नाश्ता बताइए। हेल्दी नाश्ता थोड़ा सा ऑयल फ्री हो, कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लिए बेहतर हो।
चलिए ठीक है इंशाल्लाह। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो अंडा वगैरह नहीं खा सकते। जी 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 सही। तो हेल्दी डाइट और हेल्दी नाश्ता स्पेशली। चल ठीक है इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये दोनों चीज़ें आपकी फरमाइश पे हम बनाना सिखा दें। और देखें एक तो हमारा पूरा जिसे कहते हैं ना आपने कहा और हमने पूरा कर दिया, ये नहीं मंगोचियाँ मार्च में ही आपको देखने मार्च में ही मिले। प्लीज डबल के मीठे का भी कुछ कीजिएगा। अच्छा वैसे आपने कहा ना डबल का मीठे की कोई आसान सी रेसिपी बताते हैं, तो डबल का मीठा जैसे हमारे घरों में बनता है शाही टुकड़े बनते, आप उसको भी थोड़ा सा वेरिएशन के साथ आप डबल का मीठा कर सकते हैं। डबल के मीठे के लिए यह है कि उसकी ब्रेड जो है वो डिफरेंट आती है, वो अलग से मिलती है, जो हम अमूमन नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं वो वाली ब्रेड नहीं होती, दूसरी ब्रेड होती है। लेकिन चले मैं उसी ब्रेड से आपको बनाना सिखा दूँगा। ठीक है ठीक है खुश थैंक यू बहुत शुक्रिया। अच्छा जी मैंने ये काम कर लिया कि ये जनाब ये मेरे पास सुपर ईशा की चूँकि बहुत ही शानदार सी ये मेरे पास ब्लेंडर मौजूद था तो मैंने सोचा इसी के अंदर डालते हैं, मैंने डाल दिया, थोड़ा सा गर्म ज़रूर था, अब इसको हम पीस लेते हैं। ठीक है जी इसको हमें बारीक पीसना है। ठीक है जब तक ये ब्लेंड हो रहा है हम आपको बताते चलें, सुपर ईशा सुपर्ब है अपनी क्वालिटी वाइज, बॉडी वाइज, ब्लेड वाइज, इजी टू वॉश, इजी टू यूज़, इजी टू हैंडल, तमाम इनके ब्लेंडर, ग्राइंडर, चॉपर, माइक्रोवेव हो, सैंडविच मेकर हो, यानी जितने इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं आपकी किचन को आसान किया है, आपकी लाइफ को आसान किया है, क्योंकि बहुत बार हम यूज़ करते हैं ये तमाम चीज़ें और ये हम चाहते यही हैं कि इतनी अच्छी क्वालिटी की हो कि हम बार बार ख़रीदना नहीं चाहते, तो इसीलिए सुपर ईशा लेकर आएँ और लाइफ टाइम और लॉन्ग टर्म या तो आप अपनी जो है इन तमाम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी अब बारी आती है। अच्छा जी ये मैंने पीस लिया है, मसाला कब डालेंगे ये आपको बताते हैं, लेकिन यहाँ पर अब मैं इसको बनाने जा रही हूँ, यानी हम मखमली हांडी के लिए हम डालेंगे, हमारे पास कैनोलिव मौजूद है तो मैं डालूंगी इसके अंदर कैनोलिव तकरीबन आधा कप के करीब, ये कैनोलिव चला गया, आधा से थोड़ा सा कम ही है ये डाल दिया मैंने। ठीक है जी क्योंकि इसके अंदर हम क्रीम भी शामिल करेंगे ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कम ही रखा, और वैसे भी आपको पता है कैनोलिव से हमेशा कम ऑयल डालने से चीज़ें बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी बनती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैनोला एंड सनफ्लावर एंड ऑलिव के एक्सट्रैक्ट के साथ तैयार किया जाता है ये कैनोलिव ऑयल, ताकि जी आप तक पहुँचे बेहतरीन शानदार और मज़ेदार सा ये खाना आप इससे तैयार कर सकें। और वैसे भी जैसे आपने कहा ना कि बहुत थोड़ा डालते हैं, थोड़ा हाँ। सही यानी लाइट से, लेस से कीजिए मोर अपनी लाइफ हेल्दी शानदार मज़ेदार, क्योंकि जी इसमें मौजूद है ऑलिव के एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि आपके खाने को हेल्दी शानदार और मज़ेदार बनाते हैं। हम सारे इतने हेल्थ कॉन्शियस हैं, इंक्लूडिंग देखें हमारी अभी ये जो कॉलर थी, इन्होंने हाँ। भी कहा कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, कोई ना कोई पेशेंट घर में ऐसा ही होता, होता जरूरी नहीं होता ये बड़े बुजुर्ग का ही हो, लेकिन आजकल लाइफ हम लोगों की ऐसी हो गई है कि हर घर में कोई ना कोई ऐसा इशू मौजूद रहता है, छोटे बच्चों में भी आ रहा है, बड़ों में भी आ रहा है, तो अच्छा है अपने खानों को हेल्दी बनाएं कैनोलिव के साथ, खाने हर खानों में इस्तेमाल कीजिए। अच्छा जी मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा डाला, उसके बाद मैंने ये चिकन जो है इसके अंदर शामिल कर दी थी। इसके बाद हम ये जो बाकी दही था वो भी डालेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं जल्दी से डालूंगी नमक जायके के मुताबिक, पिसी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 1.5 टीस्पून, इसके बाद हल्दी हम डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1/2 टीस्पून, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं मसाले को भूनती जाऊंगी और जो बाकी का दही मेरे पास बचा हुआ है वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। ठीक है ना, शामिल करके मैं अच्छी तरह से इसको भून लूंगी और लास्ट में बिल्कुल हम क्या चीज़ शामिल करेंगे, ये मसाला जो बेहतरीन सा हमने सुपर ईशा की मशीन में बनाया है, ब्लेंडर में बनाया है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। कलर आप चेक करें कितना अच्छा आ रहा है। ठीक है जी ब्रेक का टाइम शायद आने वाला है तो एक काम करते हैं, आगे चलें आप ब्रेक लीजिए, मैं ये दही डाल के मसाला भून लूँगी। ठीक है दही आप खूब अच्छा सा फेटा हुआ है, मैंने आपा से देखा कि आपा थोड़ा थोड़ा डालती हैं, खूब अच्छे से बीच फेटी डालती हैं। फिर आगे क्या हो रहा है और ये कब तक करना है ये काम, ये अब करती रहिए आप ब्रेक से आने के बाद इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी तो ये खीर है लेकिन है बहुत शानदार और हेल्दी भी है क्योंकि इसमें खजूरें जा रही हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। मज़ीद आगे क्या हो रहा है वो पूछिए। अच्छा खजूरें मैं अभी पीस के रख रही हूँ और ये ग्राइंडर में हम ये भी पीस के रख लेते हैं। ठीक है तो जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह आपके सामने आए, वो भी सुपर ईशा के ये हैंड इलेक्ट्रिक बीटर जो है उससे करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है और इतना मज़े का है ना, जहाँ भी आप कुछ कुकिंग कर रहे हैं वहीं पर डायरेक्टली आप उसी चीज़ में ही कर लें, तो ये भी आपके पास अगर मौजूद है आपकी लाइफ और आसान है। इसीलिए कहते हैं ना सुपर ईशा की तमाम मशीनरीज बहुत ही ज़बरदस्त हैं, पावरफुल हैं और आपके काम आती हैं, लॉन्ग टर्म चलती हैं। तो जी मज़ीद आगे क्या हो रहा है, कुछ और ब्लेंड का काम जो होगा वो ब्रेक में कर लेंगे, शेयर कर लेंगे डिटेल आके, लेकिन अभी जा रहे हैं ब्रेक में, फिर ज्वाइन करते हैं आपको।
बैग, पता है मैं अभी आने से पहले आपको कही थी, मैंने कहा आप ही हो गया, कह रही नहीं नहीं अभी कहाँ हुआ है, मैंने कहा अच्छा तो बहुत करते जाओ अभी अभी बस अभी करो अभी मुझे तो बड़ा रिलैक्स किया था, कहाँ नहीं नहीं उससे तो बहुत आसान काम है वो हलवा जो मैंने चने की दाल का हाथ मेरे दुख गए पर मेरा जो है ना ये भूनना आपा का दिल ना दुखा है ना। अच्छा जी, ये जो हमने कहा था ना बादाम पिस्ते और अखरोट, हमने सुपर एशिया के ज़बरदस्त से ग्राइंडर में इसको बारीक की, कोई छोटा मोटा दाना रह भी जाता है तो नो प्रॉब्लम, ये मेरे पास रखा है, ये मैं अभी नहीं डाल रही। और अब मैं पहले इसमें शामिल करूंगी ये खजूर का जो पेस्ट हमने बनाया था, जो आपका इमली का लगेगा, जो इमली का लग रहा है इतना अच्छा स्मूथ सा हो गया, ये हमने वो सुपर एशिया के इलेक्ट्रिक से किया है, ये डाल दिया इसके अंदर, बेहतरीन। अच्छा, खजूरों का छिलका भी मुश्किल बन जाता है, वो बचाता है। अच्छा, जैसे रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान में खजूर की चटनी वगैरह हम बनाते हैं, तो उसके लिए आप देख लें कि सुपर एशिया कितना बेस्ट है कि इससे आराम से आप बना सकते। अब ये खीर भी हमारी गाढ़ी होना शुरू हो गई, लेकिन इसको हम मज़ीद थिकनेस दें, अभी आपको ये चलाना पड़ेगा पता है। हाँ हाँ, अभी देखें। अच्छा जी, इसके अंदर ये बादाम पिस्ते जो हमने पीसे थे, बादाम पिस्ते, इसके अलावा इसमें अखरोट थे, ठीक है ना, तो ये हमने डाल, ये भी आपकी खीर को बहुत अच्छी थिकनेस भी देंगे और टेस्ट भी देंगे। ये क्या थोड़ा सा मसाला यहाँ लगा रह गया तो ये भी हम डाल देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब सारी चीज़ें ऑलमोस्ट इस पर चली गई, मिठास की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं इंशाल्लाह ताला। थोड़ी सी हम अभी एक मिनट साथ रहेंगे। अच्छा, ये किशमिश, ये किशमिश इसके अंदर शामिल कर देते हैं, किशमिश भी चली गई, सारी चीज़ें चली गई। और ये सोने के भाव, हाँ ये सोने के ज़ाफ़रान, ठीक है जी, इसको बहुत ही एहतियात से, चले जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक चुटकी डालना है, ठीक है, तो मैं ये एक चुटकी, हाँ ये देखिए जी, अच्छा, ये क्या इसमें काफ़ी आ रहे हैं, हाँ अच्छा खासे, ठीक है ना, ये मैंने डाल दिए। अब ये हमारी खीर जो है 5 मिनट और पकेगी तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन हो जाएगी। इसको मैं मिक्स करती जाती हूँ, अभी थोड़ा सा इसको आपको, और ये देखें कितनी अच्छी सी थिकनेस इसके अंदर आ रही है, तो थोड़ी देर में इसको मज़ीद थिक करेंगे और फिर इसको निकालेंगे, ठंडा करेंगे, चांदी का वर्क लगाएंगे और सर्व करेंगे। जी जनाब, आप चाहें तो इसमें 1 टेबल स्पून आप इसके अंदर घी भी शामिल कर सकते हैं। किसमें? इसके अंदर, इस खीर के अंदर ना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा। लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं करी, इसको मैं हटा देती हूँ और आ जाते हैं अपनी, हम जो मखमली कढ़ाई बना रहे, सॉरी हांडी बना रहे थे ना, ये देखें जी वो मसाला मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया, और ये देखें जी क्या ज़बरदस्त सा इसका मसाला जो है ये तैयार हो रहा है, ये देखें जी। अब देखिए प्याज कितनी कम थी, टमाटर कितने कम थे, लेकिन आप मसाला देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त है। अब इसमें हम स्मूथ है, है ना, हाँ। बाकी की चीज़ें डालेंगे, सवा गरम मसाला 1 टीस्पून, क्रीम, फ्रेश क्रीम जो है, फ्रेश क्रीम या जो डेरी उसकी आती है टाटा पैक की पैकिंग में, वो हम डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून, ठीक है ना, तो ये गई तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब भर के मैंने इसमें शामिल कर दी। थोड़ी सी हम इसमें गार्निशिंग में यूज़ कर लेंगे, सही ये गया, इसको मिक्स करेंगे और दम पे छोड़ देंगे। ओके, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, अच्छा लग रहा है ना ये, अभी आप इसका ऑयल भी इसके ऊपर आ जाएगा, आप देखिएगा, ठीक है ना, वाह सही मखमली नाम ठीक है ना। चलें जी, अच्छा उसमें फिर हम हरा धनिया, इसके अलावा बारीक कटी हुई अदरक, उससे हम इसको गार्निश, थोड़ी सी हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर देंगे। इसको हम हटा देते हैं और फिर आ जाते हैं अपनी एक और रेसिपी में, आप कॉलर से बात करें, मैं फिर रेसिपी की तैयारी करती हूं, ठीक है। अनीला जी हमारे साथ कराची से, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आपका शो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मेरी अम्मी, हम लोग डेली देखते हैं आपका शो। अरे वाह, थैंक यू, कुछ बनाते भी हैं साथ साथ? जी जी, हम बहुत चीजें ट्राई करते हैं। ये तो जबरदस्त, कैसी बनती है चीजें? बहुत अच्छी। चले गुड, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी तरह से बनाते रहिए, फिर हमें बताते भी रहेगा। और कोई फरमाइश है तो बताइएगा। नहीं, आप लोग का बस यही कहना है कि बहुत प्रोग्राम बहुत अच्छा है, देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग देखते और हैं, पसंद करते हैं, और आप आज लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, अनीला ने हमारा सी फूड वीक देखा था जी, इतना अच्छा लगा वो। कैसा, क्या उसमें से कौन सी रेसिपी दिल है कि अभी उसमें से अभी कुछ ट्राई नहीं करा, लेकिन हमने देखा है, बहुत अच्छा लगा उसको देख के, दिल किया कि चले अब हम भी पिकनिक कुछ प्लान कर लें। हाँ, बहुत अच्छा लगा देखकर। अच्छा, ठीक है, जब पिकनिक पे जाए ना फिर बताएगा आप, जो जो पिकनिक पे जाए ना प्लीज बताइए। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ओके, थैंक यू।
चले जी, अब तो एक्चुअली पिकनिक का टाइम आने वाला है क्योंकि गर्मियां आ रही हैं। जा सकते हैं ब्रेक पे आने जाने? हाँ जाने वाले हैं तो आपने बताना बस बता नहीं, अब मैं ब्रेक से आने, अच्छा मैं काम करती हूँ कि ये ब्रेक पे जा रहे हैं ना हम, तो हम एक काम करते हैं कि ये मेरे पास साबुत गरम मसाला, ठीक है ये चला गया इसके अंदर, इसके अलावा ये प्याज, ठीक है एक मीडियम साइज़ की प्याज, अभी मुझे ऑयल चाहिए होगा, कैनोलिव डालेंगे इसके अंदर हम, 4 टेबल स्पून कैनोलिव, ये चला गया। इसके बाद क्योंकि मेरे पास चावल जो है ना 3 कप है, ठीक है, और डालेंगे इसमें बटर ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। ये मैं इसको फ्राई करके रखती हूँ और फ्राई कर जब ये हो जाएगा, कलर ऐड हो जाएगा, तो मैं इसमें क्या चीज़ शामिल करूँगी, मैं शामिल करूँगी इसके अंदर ये मेरे पास रखे हुए हैं टमाटर प्यूरी, सिर्फ टमाटो प्यूरी डालूंगी और कुछ मैं ऐड नहीं करूँ, जब आप ब्रेक से आएंगे बाकी चीज़ें हम तब डालें, ठीक है। ओके डैन जी, तो यहाँ रेसिपी में क्या हो रहा है वो बताएंगे, फिलहाल कैनोलिव डाल के आपने मज़ीद थोड़े इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड कर दिए, और आपको मालूम है हम अपनी हर रेसिपी कैनोलिव में तैयार करते हैं, कैनोलिव में मौजूद 8 खूबियों वाला कैनोलिव ऑक्टाफ्लो मौजूद है जो कि जी आपके खाने को हेल्दी बनाता, लाइट बनाता, जायकेदार मज़ेदार बनाता है और बहुत थोड़ा इस्तेमाल होता है और उसी में जो है लज्जत जायका फ्लेवर सब चीज़ें दे देता है, जैसे आम कुकिंग ऑयल हम ज़्यादा डालते हैं तब दिखने में आता है, तब उसका टेस्ट आता है कहीं जाके, और फिर हम ये कहते हैं जी वो तो सस्ते हैं और ये थोड़ा सा महंगा आप लोगों को लग रहा होता है, तो बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ता आप, बल्कि ये आपको फिर अंडर कंट्रोल बजट रहता है क्योंकि ये बहुत थोड़ा इस्तेमाल होता है और फिर हेल्दी भी है, इसलिए सेहत पर अब नो समझौता, लेस से कीजिए मोर अपनी लाइफ हेल्दी शानदार और मज़ेदार, वो भी कैनोलिव से, हर खाना तैयार कीजिए कैनोलिव में। फिलहाल तो यहाँ मैं खीर को खूब स्टर करे जा रही हूँ, पता लग रहा है खीर, हाँ नहीं हो गई, ये देखकर ये देखिए अच्छा क्योंकि ठंडी होने के बाद ये थोड़ी मजीद गाढ़ी होगी, ये हो चुकी है, ठीक है 2 मिनट इसको हम और कुक करेंगे, ठीक है आँच तेज कर देंगे तो ये बड़ी अच्छी सी शानदार सी हमारी खीर जो तैयार हो जाएगी। यहाँ पर हम एक काम ये करेंगे, जैसे ये फ्राई होगा तो हम इसमें ये शामिल करेंगे, हमारे पास मौजूद है टमाटो प्यूरी, 2 टेबल स्पून टमाटो प्यूरी इसमें मैं शामिल करूंगी, और क्या शामिल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं, बस 2 मिनट हाँ। तक मैं इसको ये और पकाती हूँ, फिलहाल और अच्छे से चम्मच चलाए जा रही हूँ, मजीद आगे क्या हो रहा है पूछेंगे आपस से, वापस आके खीर भी दिखाएंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और यहाँ पर आज क्या लोग देखने वाले कह रहे हो, आज अबील को मैंने काम पे बहुत लगाया लेकिन क्या करें, मजबूरी है, बच्ची है ना, तो बच्चों से काम करा, सोचा कि आई है ये बीच में से इतनी पिकनिक करके, चलो अब काम पे लगो। खीर हमारी तैयार हो चुकी है, ये हमारी ये देख रहे हैं कि मखमली चिकन हांडी जो है वो भी तैयार होगी। यहाँ पर आ जाते हैं तंदूरी फ्राइड राइस के ऊपर, इसके इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताए थे लेकिन साथ ही अब बता दें कि इसमें हम डालने जा रहे हैं तंदूरी मसाला, स्पून चाहिए होगा, ठीक है जी तकरीबन, अच्छा इस जाने से पहले हमने 2 टेबल स्पून हमने इसमें क्या चीज़ शामिल की थी, हमने शामिल किया था इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून डाला तंदूरी मसाला, तंदूरी मसाला जाने से पहले हमने इसमें शामिल किया था टमाटो प्यूरी, ठीक है जी, बड़ा अच्छा सा इसका कलर आ गया है, सही जी, और हरी मिर्चें भी मैंने इसमें साथ साथ शामिल कर दी थी, थोड़ी सी हरी मिर्चें हम इसमें और डालेंगे क्योंकि तंदूरी चीज़ें आपको पता है थोड़ी सी स्पाइसी होती है। ये गया और ये है इसका चिकन स्टॉक, 1 कप चिकन स्टॉक ये चला गया, इसको यहाँ हटा लेते थोड़ा सा मिक्स कर लेते। चले जी अब बारी आती, पहले मैं राइस शामिल करूँगी इसमें, ये गए इसमें राइस, अभी आप देखिएगा कितने कुछ शानदार ये राइस बनने मैं वाले तो बड़े 3 कप से देख रही हूँ, ठीक है राइस वो भी तंदूरी है ना जी हाँ। अब मैं इसको मसाले को मिक्स करती जाऊँगी, साथ ही ये मेरे पास जूलियन कट हमारे पास है गाजर, ठीक है 1 मीडियम साइज़ की आप गाजर ले लीजिएगा, आपको अगर ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये गई, इसके अलावा ये मेरे पास कॉर्न्स हैं, तकरीबन 3/4 कप कॉर्न्स हैं, इसके अलावा हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा यहाँ पे हरा धनिया, बेहतरीन राइस बनते हैं। इसके अलावा ये जाएगी शिमला मिर्च 1 छोटे साइज़ की लीजिएगा, चॉप करके वो भी डाल दीजिएगा आप इसके अंदर। अब क्या रहेगा, अब टमाटर है, टमाटर सबसे आखिर में डालेंगे, ठीक है जी। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ, वाह क्या कलरफुल बने है ना, हाँ बेहतरीन बनते हैं, आपको इसके साथ किसी भी चीज़ के खाने की ज़रूरत नहीं, ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होगा। चावलों को हमने नमक डाल के बॉईल कर लिया था, ये देखिए जी क्या शानदार है ना, आप तो राइस भी इतना बड़ा बड़ा राइस है, बड़ा शानदार ज़बरदस्त अच्छा बॉईल आप करके लाएँ, खूब नमक डाल के मैंने बॉईल किया, इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं की।
एंड में हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और मजीद शामिल किया। अब आप देखें पूरे राइस जो है एक जैसे कलर के हो गए, बेहतरीन ना? बहुत ही अच्छे लग रहे हैं भाई, बहुत ही बेहतरीन। हाँ। ये आप, मैं बता रही हूँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको इसके साथ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो ये गए इसमें, एक सेकेंड, टमाटर, एक टमाटर आप ले लीजिएगा मीडियम साइज़ का, ज़रा कलर ऐड हो जाएगा। ये हरा धनिया मैं थोड़ा सा अभी और शामिल कर रही हूँ और इसको हम स्लो हीट पे कुक होने के लिए रख देते हैं। तो चिकन स्टॉक चूँकि हमने इसके अंदर डाला है तो चिकन का मज़ा भी इसके अंदर आपको मिलेगा, और आप चाहें तो छोटे चिकन चंक्स डाल सकते हैं। बट इन वेजिटेबल्स से ही आप देखिएगा कि बेहतरीन इसका जायका होगा, आपको बहुत अच्छे। दो मिनट में इसको दम पे रखती हूँ, इसके बाद हम जब निकालेंगे तो थोड़ा सा हरा धनिया इस पर गार्निश करेंगे और सर्व कर देंगे। तो इस कॉम्बिनेशन का आप खाना जो है अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला। जी जनाब, और अब आ जाए जरा खीर को देखें। ये खजूर की बहुत ही शानदार सी, चलें बस शुगर नहीं ऐड किया है, ऐड नहीं की, लेकिन बहुत मज़े की, बहुत अच्छी बनी है। हाँ। और अब मैं इस, क्योंकि इसमें देखें ना हमने खजूर डाली है पीस के, सारे मेवा जार डाले हैं पीस के, तो क्या है कि इनकी अपनी नेचुरल जो स्वीटनेस है ना उससे खीर बहुत मज़ेदार हो गई है। मैं यहाँ चांदी का वर्क इस पर लगाती हूँ, और अब जब ब्रेक लेके वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हमारा काउंटर जो है ज़बरदस्त सा हो जाएगा, हमारी टेबल सजी होगी, और ये कलरफुल से जो राइस हैं जो कि फ्राइड राइस हैं तंदूरी, वो हाँ। भी रेडी होंगे। प्रेजेंटेशन आप उनकी चेक कर सकेंगे कि वो आपा ने कितनी अच्छी सेट की है। फिलहाल तो खीर आप देख रहे हैं चांदी के वर्क लगा के और इन्हें खूबसूरत बनाया जा रहा है। तीन आज की हमारी शानदार सी रेसिपीज हो गई हैं तैयार। आपसे कुछ भी अगर मिस हुआ है तो वो अभी रिकैप का टाइम है, चेक कर लें जाके रिकैप। फिर एक छोटा सा ब्रेक आएगा और फिर वापस हम आते हैं, ज्वाइन करते हैं, फिर ये जो टेबल है हमारी ये खूबसूरत सी सजरी होगी रेसिपी से, वो दिखाएंगे आपको। मखमली चिकन हांडी, अज्जा बोनलेस चिकन 400 ग्राम, दही 4 खाने के चमचे, नमक मिर्च हल्दी हसबे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, क्रीम 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी मिर्च 2 अदद, अदरक स्लाइस 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, मसाले के अज्जा, प्याज 1 अदद, टमाटर 2 अदद, काजू 5 से 6 अदद, 4 मगज 1.5 चाय का चमचा, अदरक 1 टुकड़ा, चिकन स्टॉक 1 कप, छोटी इलायची 2 से 3 अदद, कसूरी मेथी आधा चाय का चमचा। तरकीब, बोनलेस चिकन पर दही लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। अब मसाले के अज्जा मिलाकर 5 मिनट पकाएं कि प्याज नरम हो जाए, फिर इसे ब्लेंडर में डालकर बारीक पीस लें। उसके बाद तेल गर्म करके पिसा मसाला भूनें और चिकन शामिल कर दें। अब चिकन को अच्छी तरह भूनकर 1 खाने का चम्मच क्रीम और आधा कप पानी शामिल करके चिकन गला लें, फिर इसमें पिसा गर्म मसाला और नमक मिर्च हल्दी मिक्स कर दें। आखिर में डिश में निकालकर अदरक स्लाइस, चॉप्ड हरी मिर्च और बाकी 1 खाने का चम्मच क्रीम से गार्निश करके सर्व करें। शुगर फ्री खीर, अज्जा दूध 1 लीटर, गुठली निकली खजूर 1 कप, अखरोट 2 खाने के चमचे, बादाम 2 खाने के चमचे, पिस्ते 2 खाने के चमचे, किशमिश 4 खाने के चमचे, पिसी इलायची 2 चुटकी, ज़ाफरान हसबे ज़रूरत, पिसे चावल 1 खाने का चमचा, चांदी के वर्क हसबे ज़रूरत, घी 2 खाने के चमचे। तरकीब, दूध को अच्छी तरह उबाल लें, फिर इसमें पिसे चावल पानी में मिलाकर मिक्स करें और पकने दें। अब खजूर की गुठली निकाल कर इसमें आधा कप पानी डालकर पीस लें, साथ ही किशमिश भी शामिल कर दें। बादाम, पिस्ते और अखरोट को अलग से बारीक पीस लें। जब चावल मिक्स हो जाएं तो उनमें पिसी खजूर, किशमिश, पिस्ते, बादाम, अखरोट, घी और पिसी इलायची डालकर गाढ़ा होने तक पकाएं। आखिर में ज़ाफरान घोलकर शामिल कर दें, फिर डिश में निकालकर चांदी के वर्क से गार्निश करें। तंदूरी फ्राइड राइस, अज्जा उबले चावल 3 कप, चॉप्ड हरी मिर्च 2 से 4 अदद, साबुत गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, टमाटो प्यूरी 2 खाने के चमचे, तंदूरी मसाला 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, चॉप्ड प्याज 1 अदद, कॉर्नफ्लावर 3/4 कप, चॉप्ड शिमला मिर्च आधा कप, चॉप्ड टमाटर 1 अदद, चॉप्ड हरा धनिया आधी गट्ठी, चिकन स्टॉक 1 कप, गाजर जुलियन 1 अदद, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा। तरकीब, पहले तेल और मक्खन गर्म करके साबुत गर्म मसाला, चॉप्ड हरी मिर्च और चॉप्ड प्याज फ्राई कर लें। अब इसमें टोमेटो प्यूरी, तंदूरी मसाला, सफ़ेद मिर्च और चिकन स्टॉक शामिल करके उबाल आने दें, फिर इसमें उबले चावल, जुलियन कट गाजर और कॉर्नफ्लावर डालकर मिक्स करें और दम पर रख दें। आखिर में चॉप्ड शिमला मिर्च, चॉप्ड हरा धनिया और चॉप्ड टमाटर शामिल करके मिक्स करें और सर्व कर दें। जी वेलकम बैक, और मैं बड़ा खीर एंजॉय कर रही हूँ, इतनी शानदार खीर है और शुगर फ्री,
शुगर फ्री, सोचे कहने को शुगर नहीं है इसके अंदर, लेकिन आप मीठा ही मीठा एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि खजूर का मीठा है। क्योंकि देखिए खजूर का मीठा बहुत तेज मीठा नहीं होता, लेकिन खाने में आपको इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छा लगेगा। और जो लोग कम मीठा खाते हैं उनके लिए तो बेहतरीन है, क्योंकि हमने इसके अंदर बादाम पिस्ते और जो अखरोट डाले वो भी हमने पीस के डाले थे, उनकी भी अपनी एक मिठास है, तो बेहतरीन है। और जाफरान का फ्लेवर भी आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। और इसके अलावा ये हमने जो बनाए हैं तंदूरी फ्राइड राइस, उफ बहुत ही शानदार बने, बहुत अच्छे बने, आप इसको जरूर बनाइएगा, है ना। और दूसरी सबसे बड़ी एक चीज़ ये है कि इसके साथ आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि रायता चाहिए या सैलड चाहिए, अचार चाहिए, नथिंग, कुछ भी नहीं चाहिए। ये सेल्फ इतने अच्छे हैं कि आप ऐसे ही खाएंगे तो आपको बहुत मज़े के लगेंगे। बस रखें, एंजॉय करें। और आ जाए जरा मखमली पर। मखमली चिकन हांडी जो है, जो बहुत ही स्मूथ सा इसका टेक्स्चर है, इसकी ग्रेवी है और लुक इतना जबरदस्त। आपने बड़ा चुन के नाम रखा है इसका मखमली। देखिए इसलिए कि देखिए इसमें हमने जितने भी इंग्रेडिएंट शामिल किए हैं उससे इसको थिकनेस मिलेगी। अगर हम किसी भी ग्रेवी को प्याज, खाली प्याज से बनाते हैं या अदरक लहसुन से बनाते हैं तो वो ग्रेवी इतनी अच्छी नहीं बनती। जैसे कि बनती है अच्छी, हम नॉर्मली बनाते हैं, लेकिन हर खाने में हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि हमने जो चारों मगज डाले थे वो थे और काजू थे। काजू से खानों का टेस्ट भी बढ़ता है और से थिकनेस आती है इसकी ग्रेवी के अंदर, तो हमने इसी लिए इसमें डाली थी। और हांडी जो है देखिए कम कम बनाई जाती है, तो आप काजू ले आइएगा, बनाइएगा, फिर आपको पता लगेगा कि ये कितने मज़े की चीज़ है। आप अपनी दावतों में बना सकते हैं, हांडी में सर्व कीजिएगा, हांडी में ही बनाइएगा। लेकिन हमने आज हांडी में नहीं बनाई, इसकी वजह ये थी कि हमारे पास हांडी नहीं थी, लेकिन बहरहाल आप इसको हांडी में बनाइए। दूसरी चीज़ मैं और वादा कर दूँ कि इसके अंदर आपने देखा था कि हमने चारों मगज का इस्तेमाल किया था, है ना, और इसके अलावा हमने इसमें काजू भी डाले थे। तो ये जो पेस्ट है ना, ये आपको सिर्फ दम के ऊपर डालना है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने इसको पका लिया था तो इसमें कोई कच्चापन नहीं रहा। तो पका हुआ है पूरी, जब आपकी तैयार हो जाएगा चीज़ें डालें और दम पर रख दें। वरना क्या होगा कि ये थिकनेस की वजह से ये चीज़ें जो हैं आपके पैन से, आपके हांडी से ये चिपकने लगेंगी, ठीक है ना। अच्छा। तो आपकी ग्रेवी जो है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो चले, अच्छा है आपने दो तीन पॉइंट्स जो आपको क्लियर किए, एग्जैक्टली इसी तरह फॉलो कीजिए। नान, चपाती जिसके साथ आप सर्व करेंगे, बस ये खुश हो जाएं, ये बहुत ही शानदार है मखमली चिकन हांडी। सुन के ही कुछ गाना सर एकदम माइंड में आएगा, लेकिन नहीं जी, ये खाना है, गाना नहीं है। और जी यहाँ पर शानदार सी एक मीठा जो कि खीर मेरे पास है, और ऑलमोस्ट मुझे पता है मैं पूरा ही खा जाऊँगी क्योंकि बहुत मज़े की। लेकिन राइस, क्योंकि जब आप जब इसको प्रेजेंटेशन सारी कर रही थी तो मैंने बड़े आराम से थोड़ा ट्राई किया, पर बहुत मज़े के बाद आपने कहा कोई डिप, कोई रायता, कोई चीज़ इसके साथ ज़रूरत नहीं है। ऐसी खाएँ, इंजॉय करें, सिंगल सर्विंग भी आप देख लें। यूजली आप सिंगल सर्विंग ज़रूर करती हैं, उसकी प्रेजेंटेशन ही एक अलग होती है। देखें, अच्छा पता, देख लें, दिखाने का मकसद भी मेरा ये है, बनाने का मकसद। देखिए इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं, टमाटर जो इसमें से बचे थे मैंने उस पर डाले, थोड़ा सा कलर और ऐड करने के लिए इसमें हरा धनिया डाल दिया, तो बेहतरीन से हो गए, सिंपल और खूबसूरत भी लग रहे हैं। हाँ, खूबसूरत भी लग रहे हैं। ठीक है जी, तो इजाज़त लेते हैं, और टाइम नहीं, पर आप रेसिपीज देखिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड देन फीडबैक दीजिएगा, नाम शो के आप लोग भी हो जाएंगे खुश। इजाज़त लेते हैं, फिर कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।